रमा बाबू, उदय की हल्दी की रस्म हो रही है, देख बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभय का क्या? हमारे तो दोनों बेटे दूल्हे हैं, तो इट इज नॉट फेयर ना कि उदय की हल्दी की रस्म हो रही है और अभय की नहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट मम्मी जी, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन इस वक्त अभय तो यहाँ नहीं है ना। तो क्या हुआ अगर अभय यहाँ नहीं है? मैं जानती हूँ कि इस घर में अभय नहीं आ सकता, लेकिन आप तो अभय के पास जा सकते हैं। अगर ये रस्म आपने वहां जाकर, आई मीन अभय के होटल में जाकर अगर पूरी कर दी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब मजबूरी में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। एग्जैक्टली, अगेन यू आर एब्सोल्युटली राइट मम्मी जी। ताई जी, अगर अभय यहाँ नहीं आ सकता तो क्या हुआ? आप तो वहाँ जा ही सकती है ना, इनफैक्ट आपको जाना ही चाहिए। लेकिन ये अभी अभी बाहर गए हैं और इनसे बिना पूछे मैं कैसे जाऊँ? क्या क्या सोचती रहती है आप रमा भाभी। अब रणबीर भाई साहब बाहर चले गए तो चले गए हैं, अगर उनसे नहीं पूछा तो क्या हो गया? आखिर बेटी की शादी के लिए रजामंदी तो है ही, और आप तो जानते ही कि रणबीर भाई साहब को सरप्राइज देना बहुत अच्छा लगता है। और फिर रमा भाभी देखिए ना, हो सकता है कि रणबीर भाई साहब चुपचाप अपने बेटे की शादी की तैयारियां भी कर रहे हो, और कुछ काम तो लेडीज के ही होते हैं ना। तो आप जल्दी से जाइए और ये रस्म पूरी कर दीजिए। मैं अभी वो हल्दी की थाल लेकर आती हूँ। ताई जी, मम्मी जी इज एब्सोल्युटली राइट, आपको फौरन जाना चाहिए अभय के पास। ज्यादा सोचिए मत रमा भाभी, ये लीजिए और जल्दी से अभय के पास जाइए।